हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कल्टीवेटिंग लाइफस्टाइल। तो आज हम डिस्कस करेंगे पांच ऐसे रीजंस जिसकी वजह से आपको एग्स को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। और इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सो दैट यूट्यूब इस वीडियो को दूसरे लोगों को रिकमेंड भी करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो जो पहला रीज़न है वो है न्यूट्रिशन कॉन्टेंट। एक होल एग में होते हैं ये सारे मिनरल्स और ये सारे विटामिंस। ऑल्सो एक लार्ज होल एग में अराउंड 5-6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है एंड अराउंड 5-6 ग्राम ऑफ फैट भी होता है। पर जो बात आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जो वाइट पोर्शन यानी जो एल्बुमिन पोर्शन होता है एग का, उसमें केवल 3-4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ही होता है। पर बाकी का जितना भी न्यूट्रिशन है, जो प्रोटीन एंड फैट का कॉन्टेंट एंड जो मिनरल्स एंड वाइटामिन का कॉन्टेंट है, वो सारा एग के येलो पोर्शन यानी कि योग पोर्शन में होता है। इसीलिए जो योग पोर्शन है एग का, आपको उसे कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे थ्रो अवे नहीं करना चाहिए। आपको एग को एज अ होल कंज्यूम करना चाहिए। तो जो सेकेंड रीज़न है प्रोटीन को कंज्यूम करने का, वो है द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को हमारी मसल्स का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। अ प्रोटीन इज फॉर्म्ड ऑफ अबाउट 21 अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन 21 अमाइनो एसिड से बना होता है। और जिस भी प्रोटीन सोर्स में ये अमाइनो एसिड्स एक परफेक्ट बैलेंस में होते हैं, उस प्रोटीन को एक बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोटीन माना जाता है। ऑल्सो इस चीज को टर्म किया जाता है एज द बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ दैट फूड और द बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ दैट प्रोटीन सोर्स। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि जो एग है उसे बायोलॉजिकल वैल्यू में एक परफेक्ट स्कोर ऑफ 100 दिया गया है, यानी कि एग इज वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन दैट यू कैन कंज्यूम। तो थर्ड रीजन है कि एग्स हमें फैट लॉस में हेल्प करते हैं। आई नो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, पर आप इसे पूरा जरूर सुनिएगा। एग्स जैसा कि मैंने बताया, एक बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं फैट एंड प्रोटीन का। एंड फैट और प्रोटीन अपने नेचर में डेंस एंड कॉम्प्लेक्स होने की वजह से हमें बहुत ही जल्दी सेशिएटेड फील करवाते हैं, यानी कि फुल फील करवाते हैं जल्दी भी एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, आप ओवरऑल कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं पूरे दिन में, जो कि आपको फैट लॉस में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ऑल्सो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताया था कि कैसे एक हाई प्रोटीन डाइट हमारे फैट लॉस में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, एंड क्योंकि एग्स एक सोर्स ऑफ हाई प्रोटीन है, ये हमारे फैट लॉस के लिए एक परफेक्ट पार्टनर हो जाते हैं। तो जो फोर्थ रीजन है वो है द कंटेंट ऑफ कोलीन। कोलीन एक कंडीशनली एसेंशियल न्यूट्रिएंट है और ये हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है अपनी ब्रेन की हेल्थ को अच्छा रखने में, एंड एज अ रिजल्ट ये हमारी ब्रेन फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करता है। कोलीन इम्प्रूव करता है हमारी कॉग्निटिव फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, जैसे कि लर्निंग हो गई, थिंकिंग, अटेंशन, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एटसेट्रा। एंड क्योंकि एग्स एक बहुत ही अच्छा सोर्स है हाई कोलीन का, इसीलिए हमें एग्स को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट। तो जो पांचवा रीज़न है वो ये है कि एग्स बहुत ही अच्छा सोर्स है गुड कोलेस्ट्रॉल का। अब गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल जैसी कोई चीज़ एक्चुअल में तो नहीं होती, पर हम यहाँ पे दो कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे, नेमली LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब जो LDL होता है वही कोलेस्ट्रॉल को हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लेके जाता है थ्रू आर्टरीज, एंड जब LDL का लेवल हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है यानी एक्सेस में हो जाता है, तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी आर्टरीज के अराउंड जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कंजेशन हो जाती है एंड वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यानी कि हार्ट इश्यूज़ या फिर BP इश्यूज़। ऑन द अदर हैंड जो HDL है वो कोलेस्ट्रॉल को डायरेक्टली हमारे लिवर में लेके वहाँ से प्रोसेस होके हमारी बॉडी से फ्लश आउट कर देता है। अब HDL का एक और फंक्शन ये है कि जब LDL के लेवल्स बॉडी में बहुत ही ज़्यादा राइज हो जाते हैं, तो हैविंग मोर HDL इन योर बॉडी हेल्प्स इन काउंटरिंग दैट इफेक्ट ऑफ LDL, एंड एज अ रिजल्ट HDL हमारे लिए एक गुड कोलेस्ट्रॉल के रूप में सामने आता है। इसीलिए एग्स बीइंग अ वेरी गुड सोर्स ऑफ HDL, हमें एग्स को अपनी डाइट में इंक्लूड ज़रूर करना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए पांच मेजर रीजंस जिसकी वजह से हमें एग्स को इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में, एंड मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। इसीलिए इस वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियोज़ देखने हैं, एंड ऑल्सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड कल्टीवेटिंग लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।